अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको चाइल्ड हेल्थ मॉड्यूल में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रमीज़ा कलीम है। मैं फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव एड्रेटिक को हेड करती हूँ और मैं IMNCI की मास्टर ट्रेनर भी हूँ। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों में बीमारियों को कैसे असेस और क्लासिफाई किया जाता है, और इसके अलावा हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि IMNCI की चार्ट बुकलेट को और रिकॉर्डिंग फॉर्म को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। IMNCI स्ट्रेटजी को बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है, और इसकी वजह से मॉर्टेलिटी यानी बच्चों में शराय अमवात और मॉर्बिडिटी यानी बच्चों में शराय अमराज को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। IMNCI स्ट्रेटजीज हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करती है, स्पेशली फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी पे, जहाँ पे अमूमन डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ कम होती हैं। अगर IMNCI के स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो कॉमन डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पे बच्चों में बहुत सी बीमारियों की तशखीस की जा सकती है, और शदीद बीमारी की सूरत में उनको बड़े हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। चार्ट बुकलेट के अगर पेज नंबर फोर पे देखें तो आप देखेंगे इसके टू पोर्शंस हैं। पहला हिस्सा जो है वो सिक चाइल्ड एज 2 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के लिए, जबकि सेकंड पोर्शन जो है वो सिक यंग इन्फेंट यानी लेस देन 2 मंथ्स के बच्चे के लिए है। और आप देखें कि ये जो हम बात करेंगे वो 2 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए करेंगे। और इसके अगर आप गौर करें, अगर हम पेज नंबर 5 पे जाते हैं तो आप देखिए कि इस मॉड्यूल में असेस, क्लासिफाई और आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट के 3 कॉलम्स बने हुए हैं। और जो है आप असेसमेंट वाला जो पोर्शन है उसमें हम मेन सिम्टम्स को जो है वो देखते हैं और उसके मुताबिक बच्चों की असेसमेंट करते हैं, फिर इन साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, और जो ट्रीटमेंट वाले पोर्शन में जो ट्रीटमेंट होती है उसको आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब आप रिकॉर्डिंग फॉर्म को देखें, इसके 2 पोर्शंस नज़र आएंगे, असेस और क्लासिफाई। और असेसमेंट में आप देखें वही पोर्शंस हैं जो चार्ट बुकलेट में भी हैं, जैसे कि देखें डेंजर साइन है, कफ एंड डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, डायरिया, फीवर, ईयर प्रॉब्लम, मेल न्यूट्रिशन और चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन स्टेटस, और एंड वाले पोर्शन में असेस फीडिंग का एक पोर्शन है। आप बच्चे के साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन आप क्लासिफाई वाले कॉलम में लिखेंगे, और उस क्लासिफिकेशन की बेसिस पे आप उसकी ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर माँ अपने बच्चे को आपके पास लेकर आती है तो आपने कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। आप जाहिर है कि सबसे पहले बच्चे का नाम पूछेंगे, उसकी उम्र पूछेंगे, और उसकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है जिसके साथ माँ बच्चे को लेकर आई है वो पूछेंगे, और उसको आपने रिकॉर्डिंग फॉर्म पे नोट डाउन कर लेना है। ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे का पहला विज़िट है कि ये फॉलो अप विज़िट है, क्योंकि अगर पहले विज़िट और फॉलो अप विज़िट की जो स्टेप्स हैं वो डिफ़र करते हैं। अगर ये बच्चे का पहला विज़िट है तो हम देखते हैं कि बच्चे को आपने किस तरह असेस करना है। हर बच्चे में आपने जनरल डेंजर साइंस सबसे पहले देखने हैं। इसके लिए आप ये चार्ट बुकलेट पे देखें कि आपने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपने माँ से पूछने हैं, और कुछ चीज़ों के लिए आपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है। आस्क वाले कॉलम में आप देखें कि आप बच्चे के बारे में पूछेंगे कि या ये जो है दूध पीने के या कुछ भी पीने के काबिल है, क्या ये हर दफ़ा वॉमिट तो नहीं कर रहा, क्या बच्चे को झटके इस बीमारी के दौरान लगे हैं। और देखने वाले उस कॉलम में देखें कि आप पूछेंगे कि बच्चा जो है वो बेहोश या बहुत सुस्त तो नहीं है, और क्या उस टाइम पे बच्चे को झटके तो नहीं लग रहे। अगर बच्चे में कोई भी डेंजर साइन मिलता है तो आपने उसको जो है अर्जेंटली जो है रेफ़र करना होता है, और अगली असेसमेंट जो है वो आपने बड़ी तेज़ी से करनी होती है। अब हम बच्चों के मेन सिम्टम्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप माँ से पूछेंगे कि बच्चे को खांसी या सांस में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर माँ कहती है कि खांसी है तो फिर फर्दर असेसमेंट करेंगे, अगर नहीं कहती कि कोई खांसी या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग नहीं है तो फिर हम अगली वाली असेसमेंट की तरफ चले जाएंगे। अगर माँ कहती है कि बच्चे को खांसी या सांस में तकलीफ़ है तो आप फिर पूछेंगे कि कितने अरसे से ये तकलीफ़ चल रही है।
फिर आप बच्चों का कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें बच्चों की सांस की रफ्तार को नोट करेंगे। आप देखेंगे बच्चे की कहीं पसली तो नहीं चल रही। आप गौर करेंगे कि बच्चे की सांस से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, जिस तरह अगर स्ट्राइडर है बच्चे को तो की आवाज़ उमूमन उसकी सांस से आती है। फिर आपने देखना है कि बच्चे की सांस से सीटी की आवाज़ तो नहीं आ रही, जिसे वीज़ कहा जाता है। अगर बच्चे का वीज़ आ रही हो तो उसके लिए बेहतर यह है कि पहले आप जो है बच्चे को ब्रोंकोडायलेटर दें। 2 से 3 दफ़ा आप दे सकते हैं 15 से 20 मिनट के वक्फे से, और उसके बाद दोबारा जो है वो आप उसकी सांस की रफ़्तार जो है वो सांस की रफ़्तार मैयर करें और देखें कि पसली चल रही है कि नहीं, और उसके बाद फिर आप क्लासीफाई करें। अगर तो बच्चे की उम्र 12 महीने से 5 साल तक की है और उसकी सांस की रफ़्तार 40 मिनट या उससे ज़्यादा है तो आप इसको कहेंगे कि ये फास्ट ब्रीदिंग है। और अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से लेकर 12 माह तक है तो 50 या 50 से ज़्यादा ब्रेथ्स पर मिनट जो है वो फास्ट ब्रीदिंग कहलाएगी। इन साइंस और सिम्टम्स की बेसिस पे ऐसे बच्चे जो कफ़ या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग के साथ आते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर कोई भी डेंजर साइन है बच्चे को या बच्चे को जो है वो स्ट्राइडर की तकलीफ़ है तो आप इसकी क्लासिफिकेशन सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज़ करेंगे। अगर बच्चे में कोई डेंजर साइन नहीं है और कोई साइंस जो हैं वो निमोनिया के नहीं हैं तो हम सिर्फ नो निमोनिया, कफ और कोल्ड क्लासीफाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट सिम्टम की तरफ आते हैं कि आप पूछेंगी माँ से कि बच्चे को डायरिया है कि नहीं, और अगर माँ कहती है कि उसको डायरिया है तो आप फर्दर जो है उसकी असेसमेंट इस तरह करेंगे। आप पूछेंगे कि कब से जो है वो डायरिया है, क्योंकि ड्यूरेशन की बेसिस पे हम डायरिया को जो है फर्दर क्लासीफाई करेंगे। अगर तो 14 दिन से ज़्यादा का डायरिया है तो हम उसको परसिस्टेंट डायरिया कहेंगे, और अगर 14 दिन की ड्यूरेशन से कम है तो वो एक्यूट डायरिया कहलाएगा। सिमिलरली आप फिर माँ से पूछेंगे कि क्या जो है पखाने में खून तो नहीं आ रहा, अगर खून वाले पखाने आ रहे हैं तो इसको डिसेंट्री क्लासीफाई करेंगे। डायरिया वाले बच्चे को हम डिहाइड्रेशन यानी पानी और नमकियात की कमी के लिए असेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बच्चे की अमूमी हालत का जायज़ा लेंगे कि बच्चा जो है बेहोश या बहुत सुस्त तो नहीं है, बच्चा बेसकूनी या बेचैनी का शिकार तो नहीं। इसके बाद आप देखें बच्चे की आँखें अंदर धंसी हुई तो नहीं, और बच्चे की प्यास को देखने के लिए बच्चे को पानी आप ऑफ़र करके देखें क्या बच्चा जो है वो पानी पीने के काबिल है, उसमें इतनी सकत है कि वो पानी पी सकता है, या बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो थर्स्टी है, या बच्चा जो है बहुत ज़्यादा प्यासा है और वो ईगरली ड्रिंक कर रहा है। इसके बाद आप एब्डोमेन की स्किन को पिंच करके देखें कि ये कितनी देर में वापस आती है। अगर तो ये 2 सेकेंड से ज़्यादा आती है इट्स मीन इट इज़ गोइंग वेरी स्लोली, और अगर 2 सेकंड से जल्दी आती है तो इट्स मीन गोइंग स्लोली, या आप देखें कि बिल्कुल फ़ौरन से जो है वापस आ जाती है। इस बेसिस पे इन 4 सिम्टम्स की बेसिस पे हम फर्दर डिहाइड्रेशन को क्लासिफाई करते हैं। अब आप देखिए कि स्वेयर डिहाइड्रेशन के कॉलम में आप देखें कि कोई से भी साइन अगर 2 हों, यानी कि अगर बच्चा बेहोश या बहुत सुस्त हो, या उसकी आँखें अंदर धंसी हुई हों, या बच्चा पानी पीने के काबिल ना हो, या ड्रिंकिंग पुअरली हो, या स्किन पिंच जो गोज़ बैक वेरी स्लोली, इनमें से किसी 2 साइन की सूरत में भी आप इसको स्वेयर डिहाइड्रेशन क्लासीफाई करेंगे। सम डिहाइड्रेशन की क्लासिफिकेशन में देखें कि अगर इनमें से कोई से भी 2 साइन होंगे तो आप सम डिहाइड्रेशन कहेंगे, यानी कि अगर बच्चा जो है बेसकूनी या बेचैनी का शिकार है, या बच्चे की आँखें धंसी हुई हैं, या बच्चा बहुत प्यासा है और ईगरली ड्रिंक करता है, या उसकी स्किन पिंच जो है वो स्लोली जो है वो बैक जाती है, तो आप इसको सम डिहाइड्रेशन लेबल करेंगे। अगर इनमें से कोई साइन भी नहीं है तो आप इसको नो डिहाइड्रेशन क्लासिफाई करेंगे। डिहाइड्रेशन के क्लासिफाई करने के बाद अगर आपने फर्दर जो क्लासिफिकेशन करनी है वो उस बेसिस पे करनी है कि डायरिया की ड्यूरेशन कितनी है। अगर तो ड्यूरेशन जो है 14 डेज से ज़्यादा है तो ये परसिस्टेंट डायरिया है, और डिहाइड्रेशन के क्लासिफिकेशन की बेसिस पे इसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होती हैं। अगर तो परसिस्टेंट डायरिया वाले बच्चे में किसी भी ग्रेड की डिहाइड्रेशन मौजूद है तो आप इसको सीवियर परसिस्टेंट डायरिया क्लासीफाई करेंगे, और अगर जो है परसिस्टेंट डायरिया वाले बच्चे में डिहाइड्रेशन नहीं है तो आप सिर्फ इसको परसिस्टेंट डायरिया क्लासीफाई करेंगे। सिमिलरली अगर डायरिया वाले बच्चे को पेशाब
अगर डायरिया वाले बच्चे को पखाने में खून आ रहा है तो ये डिसेंट्री क्लासिफाई होगी। बुखार वाले बच्चे को अमूमन बहुत केयरफुल असेसमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता है कि बुखार बहुत सी जो है बीमारियों का साइन भी है और ये कॉमन सिम्टम है जिसके साथ बच्चा आता है। तो IMNCI में जो हम असेसमेंट करते हैं वो 3 पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि मलेरिया रिस्क जो है वो हाई है या लो। इसकी मालूमात अमूमन नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाले देते हैं। अगर मरीज़ लो मलेरिया रिस्क वाले इलाके से आई है तो आपने उसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़रूर पूछनी है, क्योंकि अगर पिछले 15 दिन में वो किसी ऐसे इलाके में गई है जहाँ पे मलेरिया का इंसिडेंस ज़्यादा है तो फिर आप इसको हाई मलेरिया रिस्क जो है क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद फिर आपने डिटेल जो है हिस्ट्री लेनी है और डिटेल उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है ताकि आप कॉज ऑफ फीवर जो है वो फाइंड आउट कर सकें। अगर बुखार 7 दिन या उससे ज़्यादा है तो आप पूछें कि क्या बुखार जो है वो रोज़ होता है और क्या ये कंटिन्यूस रहता है कि उतरता भी है। उसके बाद आपने ये भी ज़रूर पूछना है कि क्या बच्चे को पिछले 3 माह में खसरा तो यानी मीज़ल्स तो नहीं हुए, और इन सवालों के बाद आपने उसका कंप्लीट फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि आपको पता है स्टिफ नेक जो है वो मेनिनजाइटिस, सेरिब्रल मलेरिया और अदर सीवियर डिजीज़ को इंडिकेट करती है। उसके बाद आप बच्चे में खसरे की अलामत को देखेंगे। अगर बच्चे में जनरलाइज रैश है और कफ, रनी नोज़ या रेड आइज़ में से कोई सी भी अलामत है तो आप इसको मीज़ल्स क्लासिफाई करेंगे। अगर बच्चे को इस वक्त मीज़ल है या उसकी लास्ट 3 मंथ्स में हिस्ट्री है मीज़ल की तो आप उसकी फ़र्दर असेसमेंट करके देखेंगे उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे कि बच्चे के मुंह में छाले तो नहीं हैं, अगर छाले हैं तो वो कितने डीप और एक्सटेंसिव हैं। आप देखें कि बच्चे की आंख से पस तो नहीं आ रही या कॉर्निया की क्लाउडिंग तो नहीं है। जिस तरह हम मलेरिया का रिस्क फाउंड आउट करते हैं, इसी तरह हमने अब डेंगी का भी, आपको पता है कि डेंगी भी आजकल बहुत कॉमन है, तो आपने ऐसा बच्चा जो बुखार के साथ आए तो उसमें आपने डेंगी के रिस्क को भी असेस करना है कि हाई रिस्क है कि लो, ये अकॉर्डिंग टू सीज़न होता है। अगर तो आपको लगता है कि डेंगी का रिस्क है तो फिर आपने हर बच्चे से पूछना है कि हेडिक के बारे में, माइएल्जिया, कोई रैश तो नहीं है, रिट्रो ऑर्बिटल पेन या ऑक्युलर पेन तो नहीं है, और उसके लिए आप असेस करना है कि हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन तो नहीं। इसके लिए आमतौर पे जो टूर्निकेट टेस्ट किया जाता है कि बीपी जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान में आप कफ को 5 मिनट्स के लिए इन्फ्लेट करते हैं और फिर आप देखते हैं कि कोई पिटिकाए तो नहीं बने। अगर 1 इंच के एरिया में 10 या उससे ज़्यादा पिटिकाएँ हों तो हम इसको पॉजिटिव टूर्निकेट टेस्ट कहते हैं। इन बेसिस पे हम फर्दर जो है फीवर को क्लासिफाई करेंगे। IMNCI में फीवर की क्लासिफिकेशन मलेरिया रिस्क के मुताबिक की जाती है। अगर तो बच्चे में कोई डेंजर साइन है या स्टिफ नेक होती है तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं वेरी सीवियर फेब्राइल डिजीज़, और ऐसे केस में बच्चे को जो है वो फौरी रेफर करना होता है। अगर हाई या लो मलेरिया रिस्क में मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसको मलेरिया कहते हैं। ऐसे बच्चे जिसमें कोई मलेरिया का रिस्क नहीं है और कोई ट्रैवल की हिस्ट्री टू हाई मलेरिया रिस्क एरिया में नहीं है, तो ऐसे बच्चे में अगर कोई डेंजर साइन है या स्टिफ नेक है तो हम इसको वेरी सीवियर फेब्राइल डिजीज़ लेबल करते हैं और ऐसे बच्चे को फौरन रेफ़र करना होता है। अगर तो ऐसे बच्चे में जो नो मलेरिया रिस्क से आया है, कोई डेंजर साइन नहीं है, कोई स्टिफ नेक नहीं है, तो हम सिर्फ इसको फीवर डायग्नोज करते हैं। एक बात और आप नोट कर लें, अगर आपकी तो हेल्थ फैसिलिटी में मलेरिया टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो ऐसे बच्चे जो हाई मलेरिया रिस्क से आ रहे हैं आप उसको क्लासिफाई करेंगे मलेरिया, और जो बच्चे लो मलेरिया रिस्क एरिया से आ रहे हैं और उनमें कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है फीवर का तो फिर आप उसको क्लासिफाई करेंगे मलेरिया, ठीक है। उसके बाद जो है मीज़ल्स की आगे क्लासिफिकेशन आ जाती है। अगर तो बच्चे को मीज़ल इस वक्त है या वो हिस्ट्री देता है तो इसकी फर्दर फिर 3 कैटेगरीज़ की क्लासिफिकेशन होती है। अगर ऐसे बच्चे जो मीज़ल्स के साथ हैं या जिनमें हिस्ट्री है मीज़ल्स की, उनमें कोई डेंजर साइन मिलता है या उन कॉर्निया की क्लाउडिंग मिलती है या डीप और एक्सटेंसिव माउथ अल्सर्स हैं, तो इसको क्लासिफाई किया जाता है सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मीज़ल्स। या अगर बच्चों में जो आई से पस आ रही है या माउथ अल्सर्स हैं मगर वो बहुत डीप और एक्सटेंसिव नहीं है
तो इनको क्लासिफाई किया जाता है मीजल्स विद आई और माउथ कॉम्प्लिकेशंस। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई या माउथ की नहीं मिलती तो इसको जस्ट मीजल्स क्लासिफाई किया जाता है। नाउ कमिंग टू डेंगी, अगर तो रिस्क डेंगी का हाई है, सीज़न है जिसमें डेंगी जो है वो फिर आपकी डिफरेंशियल में आता है, तो आपने उसमें देखना है कि हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस हैं कि नहीं। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस की मौजूदगी में इसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती हैं। अगर तो बच्चे में कोई भी इनमें से साइन जैसे कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ और गम है, या ब्लीडिंग फ्रॉम स्टूल और वॉमिट है, ब्लैक स्टूल्स हैं, स्किन पटीकाएँ हैं, स्लो कैपिलरी रीफिल है, या परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, या टूर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव है, तो इस केस में किसी एक भी साइन की मौजूदगी में आप इसको सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर क्लासिफाई करेंगे। अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर के कोई साइन नहीं है तो आप इसको फीवर ओनली, डेंगू हेमरेजिक फीवर अनलाइकली, आप इसको क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद आप बच्चे में एयर प्रॉब्लम के लिए असेसमेंट करेंगे। अगर आप माँ से पूछें कि बच्चे को कान में दर्द है या बच्चे के कान से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, अगर डिस्चार्ज है तो ये पूछना ज़रूरी है कि कितने अरसे से ये डिस्चार्ज हो रहा है। और उसके अलावा फिर आप जो है बच्चे को देखेंगे कि उसके कान का मुआयना करके कहीं उसमें से पस तो नहीं आ रही, और कान के पीछे आप देखें कोई टेंडर स्वेलिंग तो नहीं। इन साइंस के बेसिस पे आप फर्दर इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर तो कान के पीछे टेंडर स्वेलिंग है तो ये स्वेयर डिजीज़ मैस्टरडाइटिस को इंडिकेट करती है, और इसको आप पिंक क्लासिफिकेशन देंगे। अगर बच्चे के कान से डिस्चार्ज है और उसकी ड्यूरेशन लेस देन 14 डेज़ है, या बच्चे के कान में दर्द है, तो हम उसको एक्यूट ईयर इन्फेक्शन कहेंगे। अगर बच्चे के कान से डिस्चार्ज की ड्यूरेशन 14 डेज से ज़्यादा है तो ये क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन कहलाएगा। अगर बच्चे के कान में कोई तकलीफ़ नहीं है और कोई डिस्चार्ज नहीं है तो हम इसको नो ईयर इन्फेक्शन क्लासिफाई करेंगे। अब हम रिकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करने का तरीका सीखते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि माँ जो है अली 2 साल के बच्चे को लेकर आती है। हम उससे जो है उसका वज़न देखते हैं, तो उसका वज़न 10 केजी है, उसकी लेंथ जो है वो 65 सेंटीमीटर है, और उस वक्त इसको फीवर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद हम माँ से पूछते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। वो बताती है कि बच्चे को 7 दिन से कफ है और बच्चा 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा, और ये उसका पहला विज़िट है। हम ये सारी मालूमात जो है इस पे फिल कर लेंगे। सबसे पहले हम बच्चे को जनरल डेंजर साइन के लिए असेस करते हैं। जब हम बच्चे को असेस करते हैं तो हमें पता लगता है बच्चा कुछ भी पीने के काबिल नहीं है। इस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं वेरी सीवियर डिजीज़। फिर हम बच्चे को कफ और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग के लिए असेस करते हैं। बच्चे को 7 दिन से खांसी है और बच्चे की सांस की रफ्तार 70 ब्रेथ्स पर मिनट आती है। बच्चे में चेस्ट एंड्रॉइंग नहीं है, स्ट्राइडर नहीं है, वीज नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट के बेसिस पे हम इसको फास्ट ब्रीदिंग लेबल करते हैं, और क्योंकि इसमें डेंजर साइन पाया जाता है इसलिए हम इसकी क्लासिफिकेशन सीवियर नमूनिया करेंगे। अगर इस बच्चे में कोई डेंजर साइन ना होता तो हम खाली इसको फिर नमूनिया क्लासिफाई करते हैं, मगर क्योंकि बच्चे में डेंजर साइन है इस बेसिस पे हम बच्चे के सीवियर नमूनिया और वेरी सीवियर डिजीज़ क्लासिफाई करेंगे। फिर हम बच्चे को फीवर के लिए असेस करते हैं। बच्चे को 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। बच्चा जो है वो नो मलेरिया रिस्क एरिया से आया है और उसको 3 दिन से बुखार है। ये सारी फाइंडिंग्स हम नोट डाउन करेंगे। फिर हम बच्चे में मीजल्स के साइन देखेंगे। हम देखते हैं कि बच्चे में जनरलाइज्ड रैश है, बच्चे की रेड आईज हैं और रनी नोज है। इस बेसिस पे बच्चे को मीजल्स इस वक्त है। क्योंकि बच्चे में डेंजर साइन पाया जाता है इसलिए हम इसको सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मीजल्स क्लासिफाई करेंगे।
अगर बच्चे में डेंजर साइन ना होता तो ये हम इस बच्चे को मीजल्स क्लासिफाई करते। फर्दर असेसमेंट पे हमें कोई कॉम्प्लिकेशन मीजल्स की बच्चे में नहीं मिलती और उसको कोई ईयर प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इस बच्चे की क्लासिफिकेशन वेरी सीवियर डिजीज़ और वेरी सीवियर निमोनिया एंड विथ सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मीजल्स बनती है। ऐसे बच्चे को फौरन रेफर किया जाता है।